इस बार 15 अगस्त के इस जश्न आजादी के मौके पर लाल किले पर जो खास मेहमान आमंत्रित किए गए हैं उसमें किसान हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और योजनाओं के लाभार्थी, उनको बड़ी संख्या में यहां पर जगह दी गई है। और इस बीच हमारे सहयोगी जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं, अंकित गुप्ता लाल किले इलाके में ही मौजूद हैं, एक रिपोर्ट उन्होंने भेजी है, दिखाते हैं आपको जल्दी से। देश मना रहा है आज आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस और इस मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद फहराएंगे तिरंगा। और इस वक्त लाल किले का जो पूरा परिसर है वो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के नारे से गूंज रहा है। सड़क से लेकर के आसमान तक इस वक्त सुरक्षा का कड़ा जो पहरा है और उस सबके बीच में प्रधानमंत्री कुछ देर बाद जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो अपने आप में एक ऐतिहासिक माहौल होगा, क्योंकि जिस तरीके की जो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो इस वजह से भी महत्वपूर्ण है कि जो ओलंपिक खिलाड़ी है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। उसके अलावा किसान, महिला, युवा, मजदूर, वो समाज का हर एक तबका जो रिप्रेजेंट करता है देश को, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद होगा। और हर किसी की अपेक्षा यही है कि प्रधानमंत्री उनको लेकर के क्या कहते हैं, लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आज 2047 तक भारत का विकसित कैसे बनेगा उसको लेकर के एक बार फिर से ब्लूप्रिंट पेश कर सकते हैं। उसके अलावा जो कैसे देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, कैसे समाज के अलग अलग तबकों को आगे बढ़ाना है, किसानों को लेकर के क्या योजना है, युवाओं को लेकर के क्या योजना है, इन तमाम चीजों की मानवीय क्या अपने भाषण में देश को संबोधित करके जो ब्लूप्रिंट है वो देश के सामने। तो लाल किले से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट देख रहे थे आप। लाल किले पर उत्साह बढ़ता हुआ, उमंग जोश हाई है देशवासियों में। और ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ लाल किले की तस्वीर आप देख रही हैं जहां तमाम मेहमान जो हैं वो पहुंच चुके हैं, और ये तस्वीर जो है वो बेहद खास हो जाती है क्योंकि इस तस्वीर में आपको नजर आएंगे ये एनएसएस के जो युवा हैं उससे जुड़े हुए छात्र यहां पर बैठे हुए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माय भारत ये जो लोगो है वो उन्होंने यहां पर बनाया है, तिरंगे के रंग में रंगे हुए वो नजर आ रहे हैं। राजघाट पर बापू को नमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 अगस्त 2024 की पहली तस्वीर यहां राजघाट से एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। और अब किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लाल किले पर पहुंचेंगे जहां उनकी अगुवानी करने के लिए पहले से ही रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और साथ ही रक्षा सचिव मौजूद रहेंगे और फिर लाल किले पर ही आगे का कार्यक्रम। ये वो तिरंगे के रंग में रंगे हुए जो एनएसएस के युवा हैं उनकी तस्वीर में आपको दिखा रही थी। और देखिए किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये झंडा फहराना 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से खास हो जाता है क्योंकि इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रूप में रच रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद वो तीसरे देश के ऐसे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जो लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने पहली बार आजाद हिंदुस्तान में झंडा फहराया, 17 बार उन्होंने झंडा फहराया, इंदिरा गांधी 16 बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 11वीं बार आज झंडा फहराएंगे, लाल किले से ये इतिहास रचेंगे। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आने वाले समय में जो 2047 तक विकसित भारत का सपना लेकर मोदी सरकार चली है उसे साकार करने के लिए ये आने वाले 5 वर्ष किस रूप में खास रहने वाले हैं। और 5 वर्ष का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि याद कीजिए 2023 15 अगस्त का ही दिन था जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों से ये वादा किया गया था कि वो अगली बार फिर आएंगे और आने वाले समय में आने वाले 5 साल के लिए 2047 तक का जो रोड मैप होगा वो देश के सामने रखेंगे। अपने संबोधन की शुरुआत 2023 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां लाल किले की प्राचीर से मेरे प्रिय परिवार जनों कहकर की थी, देशवासियों को अपना परिवार इसी रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से
जब देश को संबोधित करेंगे तो फिर क्या खास संदेश देश के लिए होगा, कौन सी दिशा देश को दिखाएंगे, प्राथमिकताएं मोदी सरकार की आने वाले समय में क्या रहने वाली हैं, इस सब की एक रूपरेखा जो है वो हम सबके सामने होगी। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यही वो लाल किले की प्राचीर जहां से आपको ध्यान होगा शौचालय और स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिक्र किया गया था। यही लाल किले की प्राचीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सुरक्षा को लेकर इसी लाल किले की प्राचीर से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था। यही लाल किले की प्राचीर इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों और देश की कृषि किस तरीके से उसे आगे लेकर जाना है इसकी एक रूपरेखा देश के सामने रखी थी। कैसे देश को समृद्ध बनाना है इसी का लेखा जोखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी लाल किले की प्राचीर से आगे रखा है। और अब चुनौती बड़ी है क्योंकि आगे लक्ष्य जो है वो भारत ने अपने लिए एक बड़ा तय किया है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। और इस समय जिस तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी की इस बार मौजूदगी दर्ज की जा रही है, अभय जी आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो पिछले 11 साल में अब ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे होंगे और वहां पर पहली बार नेता विपक्ष की मौजूदगी भी होगी। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का ये काफिला जो आप देख रहे थे वो अब पहुंच रहा है लाल किले के भीतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला एंटर करता हुआ, ये देखिए ये काले रंग की गाड़ियों का काफिला है और यहाँ पर उनकी अगवानी करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे रक्षा मंत्री जो हैं वो मौजूद होंगे, उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री मौजूद होंगे। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए तैयार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। भव्यता बढ़ती हुई आगमन हो रहा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला है और बस अब कुछ ही पलों में ये जो गाड़ियों का काफिला है वो लाहौरी गेट वाली साइड से लाल किले के भीतर दाखिल होगा और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से बाहर निकलेंगे। फिलहाल देखिए आप धीमी रफ्तार से ये गाड़ियां आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर पहले से ही मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, यहां पर रक्षा सचिव गिरधर अडमाने मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिचय करवाएंगे, जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया के लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार है। इस बार देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से बाहर आते हुए ये वो पहली तस्वीर अब आप देखेंगे लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संबोधन में। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ भी यहां पर उपस्थित, रक्षा सचिव श्री गिरधर अडमाने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल डी के त्रिपाठी और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार कर रही थी। देखिए अब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो स्कॉट है वो जीओसी जो है दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार लेकर जाएंगे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर वाले स्थल पर पहले डायस पर उनको लेकर गए हैं और यहां पर अब सल्यूट। निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान।
कमांडर अरुण कुमार मेहता इन्फॉर्मिंग द प्राइम गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जाया जा रहा है। इस बार आपको बता दें कि जो कोऑर्डिनेटिंग सर्विस है वो भारतीय नौसेना कर रही है और इसीलिए कमांडर अरुण कुमार मेहता को आप यहां पर देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर के लिए स्कॉर्ट करके लेकर जा रहे हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण लेंगे आप देखेंगे किस तरीके से जो बैंड वहां पर तैयार है वो धुन बजानी शुरू करेगा। The inspection of the Guard of Honor complete. The Prime Minister will now Guard of Honor के निरीक्षण के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे लाल किले की प्राचीर की ओर बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। और मैं बस आपको ये बताती चलूं कि यहाँ पर जो गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है उसमें एक अधिकारी और 24 कर्मी आर्मी नेवी एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस के ये दस्ते मौजूद थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखेंगे ये लाहौरी गेट, ये देखेंगे आप ये मेहराबी दरवाजा है लाल किले का जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के भीतर दाखिल होंगे और फिर यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर की ओर आगे बढ़ेंगे। और यहां तक जाने के लिए जो रास्ता है वो सीढ़ियां तो हैं ही और साथ ही आपको बता दें कि अब तो लिफ्ट भी यहां पर लगा दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लाल किले की प्राचीर की ओर, देखिए लाहौरी दरवाजा उसकी भव्यता आपको यहां पर नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प लेकर मजबूत कदमों से आगे बढ़ते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए। और जब प्रथम तल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वहीं पर उनकी अगवानी एक बार फिर से रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव और वहां पर फिर सीडीएस भी मौजूद होंगे। वहां पर तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो मौजूद होंगे। अभी तक आपने इन तस्वीरों में ना सीडीएस की मौजूदगी देखी और ना ही तीनों सेनाओं के प्रमुख की मौजूदगी देखी है। वो मौजूदगी पहली बार आपको लाल किले पर प्रथम तल पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे प्राचीर के वहां पर नजर आएगी। और ये वो वीवीआईपी गैलरी जहां पर आप देख रहे हैं तमाम अति विशिष्ट मेहमान बैठे हुए हैं और ये सामने सीधे लाल किले की प्राचीर से देख रहे हैं आप। ये लिफ्ट से बाहर आते हुए प्रथम तल पर अब आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर जो मैं आपको पहले बता रही थी रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के बाद अब प्रधानमंत्री जो है वो आगे प्राचीर की तरफ ऊपर बढ़ेंगे और जो अन्य मेहमान यहां अगवानी कर रहे थे प्रधानमंत्री की वो अपनी जगह पर आकर बैठ जाएंगे। देखिए पीछे आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके पीछे आप रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को भी देख रहे हैं। ये देखिए आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो दर्शक दीर्घा है, जो वीवीआईपी गैलरी है उसकी तरफ बढ़ गए हैं अन्य वीवीआईपी के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अगले तल पर जहां पर प्राचीर है लाल किले की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे और जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा उस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ गए हैं। और ये तस्वीरें दिल्ली की ये तस्वीरें, हालांकि मौसम को लेकर कहीं ना कहीं एक आशंका से जताई जा रही थी लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग पूरी तैयारी के साथ हैं, अपने साथ कुछ रेनकोट का सा इंतजाम यहाँ पर लोगों ने किया हुआ है क्योंकि बादल जो है वो घना है, डटा हुआ है लेकिन जोश देशवासियों का हाई है। ये जश्न आजादी है और ऐसे में जोश, जुनून, जज्बा, उमंग, आज दिन खुशियां मनाने का है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और ऐसे में तैयारी यहां पर तमाम अति विशिष्ट मेहमान आप देख रहे हैं किस तरीके से वो रेनकोट ओढ़ते हुए क्योंकि धीरे धीरे बादल जो है उन्होंने भी बरसना शुरू कर दिया है।
और ये वो लोगो जिसका मैं जिक्र कर रही थी, ये आपको सफेद रंग का सा जो सैलाब नजर आ रहा है, दरअसल ये युवा हैं, छात्र हैं, एनएसएस एनसीसी के कैडेट्स हैं जो यहाँ पर माई भारत का लोगो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ लाल किले के भीतर ये वो 6000 खास मेहमान जन भागीदारी के तहत जिनको खास आमंत्रण दिया गया है, जिन्हें खास इनवाइट किया गया है, जिसमें देश के आम किसान हैं, देश के आम मजदूर हैं, देश की आम महिलाएं हैं। और ये सीजीआई को आप देख रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी भी मौजूदगी यहां पर हर बार की तरह इस बार भी नजर आई। और जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, देखिए ये वो छात्र जो माई भारत का लोगो बनाते हुए, विकसित भारत एट 2047 जो संकल्प है उसको दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे लाल किले की प्राचीर से ये वो खूबसूरत हिंदुस्तान जो सांप्रदायिक सद्भावना की तस्वीर है उसकी एक मिसाल पेश होती है, सांकेतिक ये तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ आपको जैन मंदिर भी नजर आता है, आपको आर्य समाज मंदिर भी नजर आता है, और आपको गुरुद्वारा भी नजर आता है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, और साथ ही आपको यहीं लाल किले से वो जामा मस्जिद भी नजर आती है। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। और देखिए किस तरीके से घना बादल, हल्की हल्की सी फुहारें पड़ना शुरू हो गई हैं, और अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये गुरुद्वारा सीसगंज की तस्वीर आपने देखी, और बस अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 7:27 इस समय हो रहा है, चंद मिनटों का इंतजार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो झंडा फहराएंगे, और उसके बाद यहां पर राष्ट्रीय सलामी। और साथ ही आपको बता दूं, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां झंडा फहराएंगे, 21 तोपों की बाकायदा सलामी भी यहां पर दी जाएगी, उसकी गूंज भी आप सुनेंगे। और ये गूंज जो है वो जश्न आजादी का एक जबरदस्त प्रतीक है, और ये उस जज्बे को दिखाती है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में आज लहरा रहा है तिरंगा बनकर। देश की आन बान शान, देश का अभिमान, और आज हर भारतवासी इसी तरीके से गौरवान्वित और अपने मन में एक मान और अभिमान महसूस कर रहा है, क्योंकि आज दिन जो है वो देश के अभिमान का है। पिछले 77 साल बेमिसाल तस्वीर जामा मस्जिद की भी अब नजर आ रही है। तो वो जो मैं कह रही थी आपसे कि वो देखिए सांप्रदायिक सद्भाव की एक जो तस्वीर, एक मिसाली तस्वीर यहाँ ठीक लाल किले के सामने से आपको नजर आती है, एक मिनी हिंदुस्तान जो है वो आपको यहाँ से नजर आता है, उसी की गवाही देते हुए ये अलग अलग कैमरों से इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले पर पहुंचे थे उस समय की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से इस बार, क्योंकि एनडीए के जो सहयोगी मंत्री हैं वो भी सरकार में शामिल हैं मंत्री के तौर पर, एनडीए के जो सहयोगी साथी हैं, और उनकी तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। चिराग पासवान भी यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं विशिष्ट मेहमानों में, राजीव रंजन जी जो हैं वो भी यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं विशिष्ट मेहमानों में। और इस बार खास और हो जाता है ये मौका, क्योंकि पिछले 10 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं, 11वें साल में विपक्ष की संख्या इतनी बढ़ी कि नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी की भी यहां पर मौजूदगी है। और आप देख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहां पर नजर आ रहे हैं, सभी केंद्रीय मंत्री जो हैं उनकी मौजूदगी यहां पर देखी जा सकती है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह आप देख रहे हैं दोनों साथ साथ बैठे हुए। और जो कैमरा है वो सिर्फ आपको अति विशिष्ट मेहमान ही नहीं बल्कि जो जन भागीदारी के तहत आम लोगों को यहां पर खास इनविटेशन दिया गया है उनकी ओर भी घूमता है, और उनकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो बस अब, और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें वो ओलंपिक में जिन्होंने भाग लिया भारतीय कंटिंजेंट, वो खिलाड़ी, वो युवा पदक वीर, वो भी यहां पर मौजूद है, और उनके बीच में राहुल गांधी को भी बैठा हुआ आप देख रहे थे सफेद कुर्ते में। और लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर पहुंच गए हैं, और आपको बता दूं कि यहां पर लेफ्टिनेंट संजीत सैनी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असिस्ट करेंगे। Thank you.
कमांडर बगल अंतर सेना परिष्ठ मंगल बल चले गो बल बल अंतर सेना परिष्ठ मंगल सदस्य राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहां पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर नाइन एस्टर्न फॉर्मेशन में, जहां पर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और विंग कमांडर राहुल नैनवाल पुष्प वर्षा कर रहे हैं उपस्थित जन समूह पर। मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुष्प वर्षा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस। उत्सुकता बढ़ती हुई उस अवसर के लिए जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती है। As freedom reigns supreme, well, so does the rain and so do the flowers. National flag guard marching off away. They'll come back towards the closure of the program. राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में सेना की टुकड़ी की कमान संभाली थी मेजर दिनेश एन ने। नौसेना की टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट कमांडर सचिन धनखड़ और वायुसेना की टुकड़ी की कमान संभाली स्क्वाड्रन लीडर सीएस श्रवण देवैया ने। दिल्ली पुलिस के जवान भी इस राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में शामिल, जिनकी कमान संभाली है एडिशनल डीसीपी अचिन गर्ग ने। इंटर सर्विसेज गार्ड में इस बार समन्वय का दायित्व नौसेना को सौंपा गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कमांडर विनय दुबे। उपस्थित जनसमूह प्रसन्न है, आह्लादित है और प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन की। भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे परिवारजन, आज वो शुभ घड़ी है जहां हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है, उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व है। आजादी के दीवानों ने आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया है। यह देश उनका ऋणी है। ऐसे हर महापुरुष के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं, चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो,
अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति